आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अकोला का लाल सतीश शाहर जैसलमेर में शहीद हो गया है। बीएसएफ में तैनात सतीश शाहर युद्धाभ्यास के दौरान शहीद हुए हैं। परिवार के लोगों को जैसे ही सूचना मिली सभी शोक में डूब गए। शोक में अकोला बाजार बंद कर दिया गया। आगरा के एक और लाल ने भारत माता पर अपने प्राणों को नौछावा कर दिया। थाना कागरौल जगने रोड अकोला के रहने वाले छत्रपाल सिंह चाहर मुखिया जी का 31 साल का बेटा सतीश चाहर शहीद हो गया। सतीश चाहर बीएसएफ में तैनात था। वर्तमान में तैनाती गुजरात भुज में थी। युद्ध अभ्यास के लिए राजस्थान जैसलमेर पोखरण में गया हुआ था। युद्ध अभ्यास के दौरान हादसा हुआ और कई जवान हताहत हुए थे, जिसमें एक सतीश चाहर भी था। सतीश चाहर शहीद हो गया। इस खबर ने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। छोटा भाई गुरुदेव एयरफोर्स में है। छोटा भाई भी बड़े भाई की मौत के बाद बेहद दुखी है। भाई मेरे कोर्स के लिए जैसलमेर गए थे। हाँ, वहाँ पे उनका प्रैक्टिस चल रहा था, रूटीन प्रैक्टिस चल रहा था। तो रात को करीब 11:20 के अराउंड कॉल आता है कि वहाँ पे बैरल फट गया है। तो 4-5 लोग इंजर्ड हुए, सीरियसली इंजर्ड। तो उनके साथी ने हमें कॉल किया था, हमें कोई ऑफिशियली कुछ नहीं हुआ, उनके साथी ने कॉल किया था और हमें उन्हें हॉस्पिटल में ले जा रहे। मेरे भाई की पोस्टिंग भुज में थी, बट अभी वो वहाँ पे कोर्स करने के लिए गए थे जैसलमेर। सतीश चाहर की मृत्यु के बाद परिवार में मातम छा गया है। माता पिता सदमे में है। छत्रपाल सिंह चाहर मुखिया जी के 4 बेटे हैं। सतीश सबसे बड़ा बेटा था, सोमवीर LIC में है, गुरुदेव एयरफोर्स में है, जबकि छोटा बेटा संदीप फोर्स की तैयारी कर रहा है। पत्नी सोनिया सदमे में है। पत्नी सोनिया गर्भवती है, 1-7 साल की बेटी आराध्या है। शहीद सतीश चाहर के पिता छत्रपाल सिंह चाहर मुखिया कहते हैं कि उन्हें अपने बेटों पर गर्व है। भारत माता की सेवा उनके बेटे कर रहे हैं। 2010 में लगी थी, आज फौज में जाना चाहते थे, बस BSF में मिल गई, BSF में चली, हाँ छोटे वाला एयरफोर्स। वहाँ से दोस्त का फोन आया है, कैसे ऐसे बात हो गई रात के 11 बजे। विभाग से तो कोई अभी सूचना हमारे पास आई नहीं है। हाँ एक बेटी है और 3-4 महीने का पेट में बच्चा है। कष्टी कष्ट रात भर हो गई, नींद भी नहीं आई, अभी ने कुछ खाया पिया है, परेशान है बिल्कुल। बहादुर साहब देश की रक्षा के लिए, हाँ हाँ छोटे वाला तैयारी कर रहा है, अब फौज में देखने जाता था, परसों के दिन अब जाएगा नहीं। हम भेजना चाहते हैं हम तो, और क्या करें, किसान एक बीघे खेत में क्या घर क्या खाएंगे, भूखे थोड़े ही मरेंगे। सतीश चाहर के शहीद होने की खबर से पूरे अकोला इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। सभी लोग शोक में डूबे हुए नजर आए। घरों में चूल्हे भी नहीं जले, बाजार को बंद कर दिया गया, किसी भी दुकानदार ने अपना शटर नहीं उठाया। पूरे बाजार में शोक की लहर दिखाई दे रही है। हर कोई दुखी है, परिवार के अन्य सदस्य दुखी हैं, दुकानदार दुखी हैं, क्षेत्र में रहने वाले लोग भी बेहद दुखी हैं। बहुत अच्छा लड़का था हमारा, वो भतीजा था, और बस अब उसके जाने में कहना ऐसा करता, बाकी इतना अच्छा था हमारी परिवार, मुझे खुद अच्छी तरह से समझ आऊँ तो कहीं गाली गलौज नहीं, कहा उधर लड़ाई झगड़ा नहीं, और वही मेहनत की का बात कर तो वो भाई फालतू का काम ना हो तो सुपाड़ी ना हो खाओ तो दारू दुख कर तो क्या सरकारी नौकरी में हो, देखो बयान ना कर सकते तो इतना दुख हुआ है हमें, बहुत दुख हो रहा है इस बात का। बहुत बढ़िया लड़का हो वो, बाकी दुख की तो हमें मालूम है, जितना दुख अब कह नहीं सकते हैं। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, अब हमारे एक परिवार में थोड़ा झगड़े है तो हम सब लोग उस समय लेकर वो पहुँचो, पहुँचते माने सब शांत कर दे, कुछ नहीं ऐसी बात तो होती रहती है, उसका बहुत दुख है हम सबको। वो कुछ खाती ना हो बिल्कुल, बहुत बढ़िया लड़का हो, और हर समय स्वभाव आपको हंसता रहे तो बाको खिल हंसता रहे, हंसते स्वभाव रहे तो बाको, वो बहुत बढ़िया बात करता था सभी से, और कोई झगड़ा झंझट कोई कुछ भी नहीं था, और अपने भाइयों के लिए मकान बनवा रहा था अलग से, पहले मकान के अलावा दूसरा मकान तोड़वा करके, बहुत अच्छा परिवार था, बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, सभी पूरा गांव दुखिया, पूरा बाजार बंद है। मेरे चाचा का लड़का है, मुझसे 2 क्लास पीछे पढ़ा था, हम दोनों ने साथ ही भर्ती देखी, BSF में भर्ती हो गया, और आज वो बेचारा शहीद हो गया, इससे हमें बहुत दुख हुआ है। आपके साथ में भर्ती थे? हाँ, दोनों साथ ही में भर्ती देखते थे। आगरा के तमाम लाल भारत माता पर न्यौछावर हो चुके हैं, सभी भारत माता की रक्षा के लिए शहीद हुए। तमाम ऐसे लाल हैं जो आज भी भारत माता की सेवा में तत्पर है। सतीश चाहर पर हमें गर्व है, हम सभी को गर्व है।
सभी भगवान से इस बात की प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी पत्नी, नन्ही बेटी और अन्य परिवार को हिम्मत, जो दुखों का पहाड़ परिवार पर टूटा है, सबसे अधिक ये दुख पत्नी, नन्ही बेटी और गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता रहेगा। आगरा का लाल, अकोला चारवाटी का लाल सती चार बेहद बहादुर था। बीएसएफ में देश की सेवा के लिए गया था। हमेशा बहादुरी की बात सती चार किया करता था। जैसलमेर में युद्ध अभ्यास के दौरान सती चार शहीद हो गए। जैसे ही ये खबर गांव तक पहुंची, समूचे अकोला क्षेत्र और आसपास के गांव में मातम छा गया। सभी लोग बेहद दुखी हैं। जब ये हादसा हुआ, उस मनुष्य पल को सभी लोग कोस रहे हैं। आज सती चार हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सती चार और पूरा परिवार देश की सेवा में लगा हुआ है, उसे देखकर हम सभी को गौरवान्वित होना चाहिए। पिता कहते हैं कि एक बेटा और फौज में जाना चाहता है, उसे भी फौज में भेजेंगे। इससे साफ हो जाता है कि किस हद तक भारत के लोगों में, आगरा के लोगों में और अकोला चारवाटी के लोगों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। आप देख सकते हैं कि पूरा बाजार यहाँ पर बंद है, सभी लोग शोक में डूबे हुए हैं, लेकिन गर्व इस बात का है कि देश की सेवा करते करते सती चार शहीद हुए। अपने साथी अगले दुबे के साथ अकोला चारवाटी से राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।